22 feet, 0 inch, and 36 feet, 0 inch. 22 into 36 is equal to 792 square feet house plant design. This is door and this is door D1, this is D1, this is door. Okay, this is door and this is collapsible gate. तो हम यहाँ पर आउटसाइड वॉल ड्रॉ करेंगे. दिस इज 125 mm वाइड वॉल, यानी 5 inch वाइड वॉल. इंटरनल और आउटर पार्टीशन वॉल, यहाँ पर हम 5 inch वॉल क्रिएट किया है. ड्राइंग में हमने यहाँ पर क्रिएट किया है. इसके अंदर हम विंडो और यहाँ पर डोर यहाँ पर हम ड्रॉ किया है. इसके अंदर 5 inch वॉल ड्रॉ करने का एक फ़ायदा है, जो आपका घर के अंदर जो एरिया है, रूम के अंदर जो एरिया, यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा. अगर हम इसके अंदर जगह कम रखेंगे, अगर वॉल हम 10 इंच या 9 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर हमें जगह कम मिलेगा. यहाँ पर W फॉर विंडो, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर चार्जर मिलेगा, यहाँ पर W, तो यहाँ पर डोर, इधर से एंट्री, इधर हमें W विंडो, यहाँ पर ऐसे मिलेगा वेंटिलेटर, यहाँ पर वेंटिलेटर, यहाँ पर हमें W, ऐसे एरिया मिलेगा, यहाँ पर W फॉर विंडो, यहाँ पर W, यहाँ पर हम विंडो क्रिएट करेंगे, यहाँ पर W, यहाँ पर भी विंडो, इधर विंडो, इधर विंडो, ठीक है. ऐसे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे. उसके बाद स्टेयर, इधर से आप स्टेयर प्लस लिविंग एरिया, यहाँ पर पोर्च 4 feet वाइड स्टेयर एरिया, 12 feet 9 inch और यहाँ पर 10 feet 6 inch. ट्रेड वाइड 3 feet, ट्रेड वाइड 3 feet, इधर वाइड 3 feet. यहाँ पर जो है 10 inch का, यहाँ पर किचन एरिया, किचन रूम डिस्टेंस यहाँ पर 8 feet 0 inch डिस्टेंस एंड इधर डिस्टेंस 8 feet 0 inch. नेक्स्ट यहाँ पर ड्राइंग प्लस डाइनिंग हॉल रूम, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 13 feet 2 inch, 15 feet 4 inch, यहाँ पर एक हॉल रूम. नेक्स्ट इधर
बाथ, यहाँ पर लैट्रिन, यहाँ पर 6 फीट बाई 4 फीट 4 फीट 5 इंच बाई 6 फीट। नेक्स्ट बेडरूम बैक साइड में हम 2 बेडरूम ड्रॉ कर दिया है, 10 फीट 7 इंच बाई 11 फीट 0 इंच। नेक्स्ट और एक बेडरूम, बेडरूम यहाँ पर नेक्स्ट बेडरूम का जो मेज़रमेंट 10 फीट 2 इंच एंड इधर 11 फीट 0 इंच यहाँ पर। इसके बाद इसके अंदर कॉलम हम यहाँ पर ऐड करेंगे। कॉलम कहाँ पर रहेगा? फर्स्ट 1 2 3 4, ओके 5 6 7 8, यहाँ पर 9 10, ओके 11 12 13 14। उसके बाद यहाँ पर एक 15 नंबर्स कॉलम यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। प्लान का आउटसाइड वॉल 5 इंच ब्रिक वॉल यहाँ पर हम क्रिएट किया है, इसका जो इंटरनल वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल हम क्रिएट किया है। यहाँ पर जो कॉलम साइज़ यहाँ पर 10 बाई 10 इंच का कॉलम यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, 4 नंबर्स 12 mm, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे G+1 बिल्डिंग के लिए, ठीक है। इसका जो यहाँ पर डोर 3 फीट वाइड, यहाँ पर विंडो 3 फीट 6 इंच वाइड, यहाँ पर जो है डोर 3 फीट, यहाँ पर जो डोर 3 फीट, यहाँ पर 2 फीट 6 इंच, यहाँ पर 2 फीट 6 इंच डोर, ठीक है। तो इसमें जो प्लान हमने किया है 792 स्क्वायर फीट, इसका जो बिल्डिंग बनाने का टोटल कॉस्टिंग आएगा यहाँ पर, कॉस्ट इसका मतलब इसका जो खर्चा आएगा बिल्डिंग बनाने का, तो यहाँ पर कॉस्ट आपको मिनिमम 12 लाख प्लस आपको यहाँ पर खर्चा आ जाएगा। यहाँ पर जो है देखिए 12 लाख प्लस आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो एरिया है टोटल आपको यहाँ पर जो एरिया यहाँ पर 4 फीट, और इधर जो डिस्टेंस है यहाँ पर आपको 10 फीट का डिस्टेंस का पोर्च यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यही था प्लान और डिज़ाइन। आपको अगर प्लान में डिज़ाइन में कुछ चेंज करना है ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो पर जाएंगे, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।